बिग बॉस 14 के मंडे सुबह लाइव फीड में जैसे ही रूबीना अपनी लंच ड्यूटी के लिए तैयार होके आती है, वे किचन में आके देखती है कि जो भिंडी की सब्जी वे बनाने वाली थी वो राखी ऑलरेडी शुरू कर चुकी थी, जिसपे रूबीना राखी को साफ साफ कहती है कि ये मुझे बनानी थी और मुझे जरा भी पसंद नहीं कि मेरी जगह कोई और मेरी ड्यूटी करे। एक तो ऑलरेडी आपने और विकास ने ब्रेकफास्ट लेट बनाया जिस वजह से मेरा लंच ड्यूटी भी लेट हो गया। राखी भी अपनी तरफ से सफाई देती है कि सब भूखे हो रहे थे और मैं फ्री बैठी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि भिंडी में छौंका लगा दूं। रूबीना भी कहती है कि आप ऐसे सामने से आके काम करेंगी और बताना चाहती है कि रूबीना काम नहीं करती, मुझे मेरी तरह से काम करना पसंद है और अगर आपको इतना ही था तो ब्रेकफास्ट जल्दी खत्म करना चाहिए था। रूबीना और राखी में काफी देर झगड़ा चलने पे निकी और अर्शी रूबीना का साथ देती है। वहीं राहुल और अली रूबीना से कहते हैं कि अगर सब्जी बना ही ली है तो प्रॉब्लम क्या है, जाने दो। रूबीना सबको प्यार से समझाती है कि मेरी ड्यूटी मुझे ही करनी है। कब से ये सब देख रहे अभिनव भी फिर बीच में बोलेंगे कि राखी अगर आपको मदद ही करनी थी तो रात के बर्तन खत्म कर देते, उससे भी रूबीना को लंच में हेल्प ही होती, ऐसे सिलेक्टिवली मदद मत किया करो। काफी देर चली बहसबाजी के बाद राखी रूबीना से कहती है कि चलो आगे से तुम्हारी ड्यूटी में इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी बुराई नहीं है। राखी रूबीना का फिर से प्यार देख के अली भी लिंबू मिर्ची लेके निकल पड़ते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि इस प्यार भरे घर को किसी की नजर ना लगे। तो व्यूअर्स, क्या आप एक्साइटेड हैं ट्यूसडे एपिसोड में दिखाई जाने वाली राखी और रूबीना की नोकझोंक को देखने के लिए? प्लीज कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब।